अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। छोटी सी गुजारिश है जी आप सब देखने वालों से कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर पहले कर चुके हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आज हम बना रहे हैं बीफ टिक्का, वो भी विदाउट सीख। इसके लिए सबसे पहले जो बोटियाँ थी मेरे पास उनको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आप जितने मर्ज़ी बड़े पीसेस काट सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद जी हम इनको करेंगे, बीफ टिक्के को करेंगे मैरिनेट, और मैरिनेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे 1/2 कप दही, 2 टेबल स्पून भर भर के अदरक लहसुन, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 2 से 3 चुटकी हल्दी, और जी इसमें डाला है मैंने 1 चम्मच, आप कोई ब्रांड का कोई भी कंपनी का ले लें, टिक्का मसाला। और उसके बाद हम डालेंगे जी 1 लेमन, जितने अच्छा खासा रस हो, अगर रस ना हो तो आप लोग 2 लेमन यूज़ कर सकते हैं। तो जी इनको अच्छी तरह मिक्स करके हम रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, या आप ओवरनाइट भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। इसको पकाने के लिए हमें इतने कोई ख़ास मेहनत की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल ऑयल डालें, उसमें इसको थोड़ा सा फ्राई करें, इतना फ्राई करना है कि बस ये थोड़ा सा ना इसका पानी हमें नज़र आना शुरू हो जाए। मैं इस तरीके से इसको प्रेशर लगाती हूँ, कई लोग डायरेक्ट इसको प्रेशर में डालकर डायरेक्ट प्रेशर बंद कर देते हैं, मैं इस तरह से करती हूँ कि ये देखें थोड़ा सा पानी नज़र आना शुरू हो गया है। इसके बाद मैंने इसको प्रेशर लगाया है ताकि थोड़ी सी स्टीम उसमें इकट्ठी हो जाए। अब प्रेशर लगाया है, प्रेशर की जो सीटी आती है ये वाली सीटी जी, इसके आने के बाद ही आपने 10 मिनट्स ओनली काउंट करने हैं। ये देखें जब मैंने 10 मिनट के बाद प्रेशर को खोला सारा पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था, अगर कुछ रह जाए तो आप उसको भी कर लीजिए। उसके बाद इसको थोड़ी सी महक देने के लिए, थोड़ा सा जायका देने के लिए हम जी इसको देंगे कोयले का दम। उसके लिए जी अगर आपके पास फॉइल पेपर है तो आप वो रख लीजिए, अगर ना हो घर में तो आप रोटी का छोटा सा पीस रखिए, उसके ऊपर रखें जी आप कोयला, उसके ऊपर डालें आप थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल और इसको ढक दें। देखिए थोड़ी सी मुझे लग रहा था स्टीम निकल रही है तो मैंने इसको टॉवल से कवर कर दिया, आपके पास अगर ढक्कन वाला बाउल हो तो आप उसमें रख लीजिए, वो बेहतर रहेगा। कोयले का दम देने से इसमें एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, आप इसको डिश आउट कर लीजिए किसी भी बाउल में, आप इसको चाय के साथ खाइए वो सबसे बेस्ट है। वैसे रोटी से भी खा सकते हैं, ऐसे ही आप खा सकते हैं, बट चाय के साथ ये बिल्कुल बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अच्छा जी, इसका एक और तरीका है जो कि बच्चों के लिए है, या आपको अगर ग्रेवी चाहिए तो उसके लिए है। उसके लिए सिंपल मैंने एक पैन में ऑयल को गर्म किया है, ये देखिए थोड़ा सा मैंने बचा लिया टिक्का, उस ऑयल गर्म में मैंने थोड़ा सा थोड़े पीसेस डाल दिए, और उसके बाद उसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने उसमें 2 से 3 टेबल स्पून दही डाल के उसको अच्छी तरह फ्राई किया है। ठीक है, ये लें जी, ये देखें, ये जी हमारा मसाले वाला भी तैयार हो गया है, सिंपल भी और साथ मटन कढ़ाई। तो जी आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।